जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि रेलवे की अप्रेंटिसशिप आई थी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से, जिसमें जो है अप्रेंटिसशिप पे वैकेंसी निकल के आई थी, जिसमें आपको यानी आईटीआई पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करने वाले थे। और उसके बाद बात करें, इसमें टोटल पोस्ट जो है 3115 पोस्ट थी। और उसके बाद इसके जो है स्टार्ट यानी फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, तो ये स्टार्ट हुए थे 30/9/2022 को स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद जो है लास्ट डेट जो है 29/10/2022 को इसके फॉर्म फिल करे गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है ये 22 अप्रैल 2023 को इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट निकल के आई थी। उसके बाद बात करें ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग यानी कि 31 जुलाई जो है 2023 को इसकी मेरिट लिस्ट निकल के आई है, फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद बात करें इसमें जो है जमालपुर, मालदा, आसनसोल ये हैं। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट बेस पे हो रहा है, यानी 10th+ITI, जैसे आपको पता है कि मार्क पे बेस पे हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं, इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके, क्योंकि हम इसमें जो है PDF और उसके बाद बात करें जैसे कोई कैंपस प्लेसमेंट लगता है तो हम डालते रहते, तो आपको पता चल जाएगा। आप PDF ओपन करके आपको बता देते हैं। ये जमालपुर का निकल के आया है, आप देख लीजिए 27/7/2023 को जमालपुर। और उसके बाद बात करें ये जो है इसकी 2022 एंड 2023 नंबर ऑफ नोटिफाइड, यानी कि जो है जमालपुर में 667 जो है वैकेंसी निकल के है। उसके बाद जो है 998 को जो है कॉल लेटर गया, कॉल लेटर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 351 लोग पहुंचे, जिसमें जो है ये 350 लोग जो है सिलेक्ट हुए और एक कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हुए, जिसमें जो है यानी कि 317 सीट अभी जो है खाली हैं। और उसके बाद बात करें ये आसनसोल में 412 वैकेंसी थी, तो जिसमें जो है 623 लोग बुलाया गया, जिसमें टोटल 128 लोग पहुँचे और 127 लोग जो है पास हुए, एक लोग रिजेक्ट हुए, जो है इसमें जो है 285 सीट अभी खाली। मालदा की बात करें 138 सीट में 215 लोग बुलाया, जिसमें केवल 38 लोग पहुँचे, 37 का सिलेक्शन हुआ, एक का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ और 101 सीट अभी बची हुई हैं, ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद बात करें कि ये जो है यानी कि हाँ जमालपुर की बात करें, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, जिसमें जो है 10th की आप देख ली 100% मार्क आए हैं 10th में। ITI की बात करें तो जो है इसमें बात करें तो 86% टोटल की बात करें ITI और उसके बाद बात करें 10th को मिला करके तो 93.35 है। ये भुकाया साई की, इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फादर नेम है और उसके बाद कम्युनिटी ST है। और उसके बाद बात करें ये 14/7/2004 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, इलेक्ट्रीशियन है और ये सिलेक्ट हैं। आगे बात कर लेते हैं यानी कि फिटर ट्रेड की, फिटर ट्रेड में जो है ये टोटल 90% इसके कट ऑफ गई हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं OBC कैंडिडेट की 90.53% इसकी कट ऑफ गई है फिटर की। आगे बात कर लेते हैं, आप इसमें अपना नाम देख लीजिएगा और इसको PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, आपको बता दिया है। मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट का जो है 87.99% इसकी कट ऑफ गई है। आगे बात कर लेते हैं हम आगे कौन सी ट्रेड है। आगे बात मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल की बात कर लें, उसमें जो है यानी कि कट ऑफ कितनी गई है, उसमें कट ऑफ गई है 92.17 इसकी कट ऑफ गई है। आगे बात कर लेते हैं टर्नर की बात करें तो इसमें जो है 89.91 इसकी कट ऑफ गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें ये इतनी कटाव वेल्डर ट्रेड की, वेल्डर जनरल की बात करें तो इसमें जो है 91.81% इसकी कटाव गई हुई, ये आप देख सकते हैं।
आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपना इसमें नाम देख लीजिए, आपको बुलाया गया तो बढ़िया है, नहीं तो आप नेक्स्ट में ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उसके पहले आपको बता दें कि इस चैनल में जो है ITI सेलेक्टेड और रेलवे अप्रेंटिसशिप के रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।